गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 202 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 203 और एग्ज़ाम डेट सभी को पता होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने स्टूडेंट भी उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले हैं, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर पाए जाते हैं। ये उन उष्ण एवं अर्ध प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। अब इनमें से किसी वन की बात हो रही है। अब देखिए, दूसरी लाइन में इसका आराम से आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वार्षिक वर्षा होती है वो कांटेदार वनों में तो होगी नहीं, और ना ही पर्णपाती वनों में होती है, पर्वतीय वनों में भी नहीं होती। तो किस में होती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। क्या आगे पढ़ के समय व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता है? नहीं है, तो आगे चलिए। तो देखिए, इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पे, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों की पहाड़ियों पे। हिमालय की बात नहीं हो रही है, देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों की बात हो रही है। एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। सबसे बड़ा क्लू यही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 1986 में स्थापित यह भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, मतलब पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2012 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। अब इस तरह का भी अगर देखिए लॉलीपॉप सा प्रश्न अगर यूपीएससी के पेपर में आपको मिल जाए तो 2 नंबर यहाँ पर भी फ्री के हैं, क्योंकि लूसेंट तो एक बार सभी ने पढ़ी होगी ना। साफ साफ लिखा है लूसेंट में, भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। उसी प्रकार ये प्रश्न आसान है जिस प्रकार भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हैली नेशनल पार्क, जिसका बदला हुआ नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आपको नहीं पता है कि इसको 2012 में विश्व विरासत धरोहर में घोषित किया गया यूनेस्को की, तब भी इसका आंसर करेक्ट कर ले जाओगे। अब देखिए, यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों में शुष्क झाड़ियाँ, शुष्क और नम पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन शामिल हैं। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियां शेर पूंछ, सिंह पूंछ, मकाक बानर जो है वो भी सर्वाधिक आबादी में पाई जाती है। कहाँ? नीलगिरी। तो देखिए, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे सितंबर 1986 में स्थापित किया गया था और यूनेस्को में 2012 में इसको शामिल किया गया। इसमें वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई अभयारण्य के परिसर और नीलांबर के पूरे वनाच्छादित पहाड़ी ढलान, ऊपरी नीलगिरी पठार और साइलेंट वैली और शिरुबानी पहाड़ियां शामिल हैं। सब कुछ शामिल हो गया इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सुबनसिरी नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही होगा। सुबनसिरी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी या कामेंग है या मानस है? देखिए, सुबनसिरी ही है, तिब्बत के पठार से निकलती है, ये भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो सुबनसिरी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश में मिरी पहाड़ियों से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, करेक्ट है पहला। और बिल्कुल ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, करेक्ट है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में इस बार स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा सही है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में नामचा बर्मा असम से प्रवेश करती है। देखिए, इसका जो उद्गम है वो तो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग ग्लेशियर है, करेक्ट है पहला। लेकिन ये भारत में जो प्रवेश करती है वो नामचा बर्मा से तो करती है, लेकिन ये असम में नहीं है, ये तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो केवल एक करेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है, इसलिए करेक्ट है पहला। और यह नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, ना कि असम से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित चट्टान समूहों पर विचार करना है। कुड़प्पा समूह, अर्कियन समूह, धारवाड़ समूह, कार्बोनिफेरस समूह। अब बताइए, इनमें से इन चट्टानों को कालानुक्रम में सजाना, मतलब इनके आने के क्रम में जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले, जो सबसे बाद में आया या सबसे नया है वो सबसे बाद में आएगा। तो सबसे पुराना है इसमें अर्कियन, अर्कियन के बाद आया क्या? धारवाड़, धारवाड़ के बाद आया क्या? कुड़प्पा के बाद आया सबसे नया क्या है? कार्बोनिफेरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 डी।
तो देखिए, लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व निर्मित अर्कियन नीस और सिस्ट सबसे पुरानी जो है वो चट्टान प्रणाली है। यह अन्य चट्टान प्रणालियों के लिए आधार का कार्य करती है। यह अरावली पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके बाद आता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जो काल है वो 4 अरब वर्ष से लेकर 1 अरब वर्ष पूर्व तक का है। यह अत्यधिक कायंत्रित अवसादी चट्टान प्रणाली है। अर्कियन नीस और सिस्ट के अवसादों के कायंत्रण से इनका निर्माण हुआ है। ये सबसे पुरानी कायंत्रित चट्टानों में से एक है। कर्नाटक के धारवाड़ जिलों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है धारवाड़ क्रम। इसके बाद आता है पुराण चट्टान प्रणाली। पुराण चट्टान प्रणाली में कौन कौन सी हैं? कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं और विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। और इसका क्रम क्या है? 1400 से 600 मिलियन वर्ष। देखिए, सैल, सिस्ट, क्वार्टजाइट तथा चूने के पत्थर आदि को कुडप्पा क्रम की चट्टानों में शामिल किया जाता है। इन चट्टानों में कायंत्रण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में बहुत कम हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिलते। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिलों में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से अवसादी चट्टान कौन सी है, सबसे ज़्यादा अवसाद किसमें मिलते हैं? तो धारवाड़ में काफ़ी अवसाद हैं। और ये जो है कुड़प्पा और विंध्य, इनमें जो है वो अवसाद बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जीवाश्म के साक्ष्य में, सॉरी जीवाश्म की बात हो रही है, जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, सबसे अंत में कार्बोनिफेरस चट्टान, मतलब 350 बिलियन वर्ष पूर्व। देखिए, मुख्य रूप से इसमें चूना पत्थर, सैल और क्वार्टजाइट शामिल है। भूविज्ञान में कार्बोनिफेरस का मतलब कोयला युक्त होता है। माउंट एवरेस्ट ऊपरी कार्बोनिफेरस लाइमस्टोन से निर्मित है। कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक हर तरफ है द्वीप, एक तरफ है देश। लामू द्वीप, सवांग द्वीप, रीयूनियन द्वीप और सोकोत्रा द्वीप। लामू के सामने सोमालिया, सवांग के सामने इंडोनेशिया, रीयूनियन के सामने जर्मनी और सोकोत्रा के सामने यमन लिखा। बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित है। देखिए, लामू द्वीप जो है वो सोमालिया में नहीं है, वो केन्या में है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा क्यों जा रहा है? क्योंकि सारे के सारे द्वीप समाचारों की सुर्खियों में रहे। सवांग द्वीप इंडोनेशिया में करेक्ट है। रीयूनियन जो है वो जर्मनी में नहीं है, रीयूनियन है फ्रांस में, पैसिफिक में। और सोकोत्रा यमन में करेक्ट है। तो यहाँ हो जाएगा केवल 2 और 3 से ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 2 और 4 से ही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, बात आती है लामू द्वीप की। तो जनवरी 2019 में सोमालिया के अल शबाब समूह ने केन्या के तट पर लामू में संयुक्त राज्य अमेरिका और केन्या सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैन्य अड्डे पर हमला किया। लामू द्वीप हिंद महासागर में केन्या के पूर्वी तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, लामू द्वीप कहाँ पर स्थित है? केन्या के पूर्वी तट पर। कौन सा ओशियन लगेगा? इंडियन ओशियन। इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सॉरी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूएनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। बात आती है सवांग द्वीप की। तो भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक इंडोनेशिया के सवांग द्वीप में अपने पहले डीप सी पोर्ट का विकास कर रहा है। और सवांग अंडमान द्वीप समूह से लगभग 710 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। और मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार से इसकी दूरी 500 किलोमीटर से भी कम है, जिसके माध्यम से भारत का लगभग 40% व्यापार होता है। अब बात आती है रीयूनियन की। तो देखिए, जनवरी 2019 में भारत और फ्रांस ने अपने पारस्परिक सैन्य रसद समर्थन समझौते का संचालन शुरू कर दिया है। और रीयूनियन द्वीप समूह फ्रांसीसी क्षेत्र है जो मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में स्थित है। वहाँ लिखा था जर्मनी, इसलिए गलत था। बात आती है सोकोत्रा द्वीप की। तो हाल ही में यमन के कई नागरिकों ने सोकोत्रा द्वीप के सबसे बड़े शहर और इसकी राजधानी हदीबू में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और यह यमन की मुख्य भूमि से 220 मील की दूरी पर स्थित है तथा इसे एक यूनेस्को संरक्षित स्थल है। यह एक यूनेस्को संरक्षित स्थल है। इसे प्रायः हिंद महासागर का गैलापागोस कहा जाता है। और यहाँ लगभग 800 दुर्लभ जानवर और पौधों की प्रजातियाँ हैं। कहाँ? सोकोत्रा द्वीप। कहाँ पर है? यमन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, नाटो एक सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका गठन केवल सैन्य संसाधनों द्वारा सदस्य राज्यों की रक्षा के लिए किया गया। इसका गठन इस गठ
इस गठबंधन में संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र उत्तरी अमेरिकी देश है। देखिए ऐसा नहीं है, कनाडा भी तो है इसमें, और यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। करेक्ट है ये वाला। और इसमें केवल सैन्य संसाधन नहीं, देखिए इसमें सैन्य और राजनीतिक दोनों हैं, दोनों मुद्दे हैं, तो ये भी गलत है। अब सही ढूंढना तो केवल एक सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 4 अप्रैल 1949 को उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे बोलते हैं वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। और नाटो एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन, मतलब राजनीतिक और सैन्य दोनों हैं, इसलिए एक सही है दूसरा गलत है। और वर्तमान में इस संगठन में 29 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम, और इसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कनाडा भी गठबंधन में शामिल उत्तर अमेरिकी देश है, इसलिए गलत है तीसरा। प्रोजेक्ट मौसम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही होगा। भारतीय संस्कृति मंत्रालय की एक परियोजना है प्रोजेक्ट मौसम, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके लिए नोडल समन्वय एजेंसी है। इसका एक कार्य समुद्री मार्गों के अध्ययन से संबंधित विषयों पर शोध कार्य को बढ़ावा देना भी है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए जो प्रोजेक्ट मौसम है वो भारतीय संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है, करेक्ट है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके लिए नोडल एजेंसी है, और इसका एक कार्य समुद्री मार्गों के अध्ययन से संबंधित विषयों पर शोध कार्य को बढ़ावा देना भी है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए प्रोजेक्ट मौसम भारतीय संस्कृति मंत्रालय की एक परियोजना है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय संग्रहालय की सहायता से नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है बहुआयामी हिंद महासागर के संबंध में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना, ताकि विविधता से भरे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक अंतर संबंधों को उजागर किया जा सके। और इसका उद्देश्य समुद्री मार्गों के अध्ययन से संबंधित विषयों पर शोध कार्य को बढ़ावा देने के साथ साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची हेतु ट्रांस नेशनल नामांकन के रूप में प्रोजेक्ट मौसम के तहत स्थानों एवं स्थलों की पहचान करना भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किसको? समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को? गलत। गतिशील और दूरदर्शिता से युक्त एक श्रेष्ठ व्यक्ति को? ये भी नहीं है। कार्यपालक नेतृत्व को मजबूत बनाने वाली पद्धति को, या साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। देखिए इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, और जितना ज़्यादा इनका रिविज़न होगा पॉलिटी के, उतना ही ज़्यादा जो है करेक्ट करोगे एग्ज़ाम में। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा अर्थात लोगों द्वारा शासन। उदाहरण के लिए सरकार बनाने हेतु प्रतिनिधि के चुनाव के दौरान लोग अपनी बुद्धि और चरित्र का प्रयोग करते हैं, इसलिए उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संवैधानिक सरकार वह होती है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य की स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा जा चुका है, और इस तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं पॉलिटी के, थोड़े घुमाऊ फिराऊ, इसलिए इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ही सही रहेगा। क्योंकि ठोस अगर 7 से 8 ही पूछ लिए गए, और आपने अगर 8 पूछे 7 करेक्ट कर दिए तो काफ़ी होते हैं, कभी कभी 10 पूछ लिए 9 करेक्ट कर दिए 8 करेक्ट कर दिए तो काफ़ी हैं वो भी। अब देखिए राज्य की सत्ता के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अगर प्रतिबंध लगाएगी तो वो संवैधानिक सरकार थोड़ी होगी, वो तो निरंकुश शासन हो गया ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में मतलब आपकी स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर जो प्रभावी प्रतिबंध लगा दे वही है संवैधानिक सरकार। केवल 2 है इसका उत्तर। तो देखिए वह एक निरंकुश सरकार होती है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है। एक संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान करती है, तथा लोगों के हित को प्रभावित करने वाली राज्य की अतिरिक्त सत्ता को प्रतिबंधित करने तथा उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है, इसलिए करेक्ट है केवल 2। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिविजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।